जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट में 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने सभी 11 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए हैं। राहत बचाव दल के अधिकारियों का कहना है कि 3 पर्वतारोही ज्वालामुखी के नजदीक जीवित पाए गए हैं और कई पर्वतारोही अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने परिवार के ही 4 लोगों की जान ले ली। इस घटना की शिकायत एक लड़की ने फोन करके पुलिस को दी। उसने बताया कि उसका चचेरा भाई उसके परिवार के लोगों की हत्या कर रहा है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर भी इस शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। द्वीपीय राष्ट्र में सैन्य अड्डा बनाए रखने के लिए भारत और मालदीव चर्चा कर रहे हैं। दोनों पक्ष इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करने के लिए एक कोर ग्रुप स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि मालदीव पक्ष ने भारतीय सैन्य प्लेटफॉर्मों की उपयोगिता को स्वीकार किया है। इससे पहले दिन में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो ने पत्रकारों को बताया था कि नई दिल्ली में उनके देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने पर सहमत हो गई है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। चक्रवात मिचौंग के पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु से टकराने की उम्मीद है। इस संभावना को देखते हुए पुडुचेरी के जिला अधिकारी ने समुद्री इलाकों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। जिला अधिकारी ने 3 दिसंबर की शाम 7 बजे से 5 दिसंबर की शाम 6 बजे तक लोगों को समुद्री तटीय इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। तेलंगाना में भारतीय वायुसेना के एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। घटना तेलंगाना के मेदक जिला की है। हादसे के वक्त विमान में एक ट्रेनर पायलट और एक ट्रेनी पायलट मौजूद थे। अभी तक दोनों पायलटों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बीच आज संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को बाहर की पराजय का गुस्सा सदन में नहीं निकालने की नसीहत दी। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। बिलासपुर शहर में सुबह के समय मीट मार्केट के पास एक 3 मंजिला भवन में आग लग गई। घटना की सूचना शीघ्र ही अग्निशमन और पुलिस विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के नदियों और खड्डों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 37 नदियों पर 136 स्थानों पर नदियों की जल गुणवत्ता की जांच की गई। इनमें से 9 नदियों खड्डों में 19 स्थानों पर बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में पानी के सैंपल फेल हुए। हिमाचल प्रदेश को इस साल सेब बागवानी में 2500 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। बारिश, ओलावृष्टि और असमय बर्फबारी के अलावा गर्मियों में तापमान में गिरावट के चलते इस बार सेब सीजन 1,80,00,000 पेटी में ही सिमट गया। पिछले साल के मुकाबले 1,20,00,000 पेटी कम उत्पादन हुआ। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनावों में उतरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर मोदी मैजिक काम कर गया है और उसने 2 राज्यों राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। हिमाचल के सुक्खू सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के जश्न में राहुल और प्रियंका गांधी दोनों शामिल होंगे। राज्य सरकार 11 दिसंबर को कांगड़ा में 1 वर्ष पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम करेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के लिए सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पहली बार किसी गैर सरकारी संगठन ने अपने दायित्व की मचान पर दूर तक देखा तो नजर आया कि इस तरह चलें तो मंजिलें आसमान तक पहुंच जाएंगी। इस लेख को आप शौर्य पर्यटन का स्मारक शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण से बढ़े निर्यात रोजगार, डॉक्टर जयंती लाल भंडारी का लेख भी यहाँ छपा है। कराची विध्वंस की पटकथा, ऑपरेशन ट्राइडेंट, प्रताप सिंह बटियाल का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में आपको निर्मल असो का लेख पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने सर्कल बेस अधिकारी यानी CBO के 5,280 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। शेड्यूल के अनुसार आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर तक है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।